गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। दिस मेथड विल इंक्लूड मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स, एस्टर्स, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी रिड्यूस कैटालिटिकली टू फॉर्म अल्कोहल। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, व्हाइल रिडक्शन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल्स। हाउएवर मेजर ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद दिस मेथड इज दैट अदर इजली रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रो ग्रुप और सम अदर ग्रुप, दे आर ऑल्सो गेट reduced. So if we want to reduce this alpha beta unsaturated aldehyde to give alpha beta unsaturated alcohol, this is not possible by catalytic hydrogenation, as in catalytic hydrogenation the other easily reducible group like double bond also get reduced and we get only saturated alcohol. Next method is reduction of aldehyde or ketones with metal hydrides like lithium aluminum hydride or sodium borohydride. Like catalytic hydrogenation, reduction of aldehyde with metal hydrides give primary alcohol, while reduction of ketones give secondary alcohol. Reduction of aldehyde using lithium aluminum hydride. Now, a lithium aluminum hydride is source of hydride ion. From lithium aluminum hydride, transfer of hydride ion takes place to electrophilic carbonyl carbon to form tetrahedral intermediate alkoxide ion. This alkoxide ion further reacts with three more molecule of aldehyde to form metal aluminium oxide, aluminium alkoxide. Now this aluminium alkoxide undergoes hydrolysis to form four molecules of primary alcohol. Thus from single molecule of lithium aluminum hydride reduces four molecules of aldehyde to give four molecules of alcohol, primary alcohol molecule. दोबारा से एक बार बता दें कि ये जो आपका एल्डिहाइड है इस पे हाइड्राइड आयन का अटैक होगा। हाइड्राइड आयन का अटैक कहाँ से? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? एच नेगेटिव। एच नेगेटिव आयन का अटैक होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन में कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हाइड्राइड आयन का अटैक होगा किस पे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। अब इस एल्युमिनियम के पास तीन और हाइड्रोजन है, हाइड्राइड मॉलिक्यूल है। ये तीन और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स पे अटैक करेगा और क्या मिलेगा? मेटल एल्कोक्साइड। अब ये मेटल एल्कोक्साइड की क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और इससे हमें क्या मिलेगा? फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चार
कीटोन मॉलिक्यूल, चार एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और हमें क्या मिलेंगे, चार अल्कोहल मॉलिक्यूल। सिमिलरली जैसे एल्डिहाइड की रिडक्शन थी, सिमिलर पैटर्न पे क्या होगी, कीटोन्स की रिडक्शन होगी। कीटोन्स में भी जो कार्बनिल कार्बन है, इसमें कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एल्युमिनियम टू कार्बनिल कार्बन, एल्कोक्साइड आयन बनेगा। फिर तीन, इसके पास तीन हाइड्रोजन और है, तीन हाइड्राइड और है, तो ये तीनों हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा किस पे, तीन कीटोन मॉलिक्यूल पे। और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इस कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस होगी और हमें मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल कितनी, चार। तो एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चार कीटोनिक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके क्या बनाएगा, फोर सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो आपका जो एल्डिहाइड है वो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, और जो आपका कीटोन है वो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आल्सो प्रोवाइड हाइड्राइड आयन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बनिल कार्बन टू फॉर्म एल्कोक्साइड आयन फ्रॉम बोरोहाइड्राइड। दिस बोरोहाइड्राइड कंटेन थ्री मोर हाइड्रोजन हाइड्राइड मॉलिक्यूल, ट्रांसफर ऑफ दिस हाइड्राइड मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस टू थ्री मोर एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एल्कोक्साइड आयन। नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल्स, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। लाइकवाइज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव प्राइमरी एल्कोहल एंड रिडक्शन ऑफ कीटोन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड गिव सेकेंडरी एल्कोहल। नाउ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मोर विक्रस, दैट इज लेस सिलेक्टिव, इट रिएक्ट रेडली एंड बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज लेस सिलेक्टिव। हाउएवर सोडियम बोरोहाइड्राइड इज लेस विग्रस एंड लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव। व्हाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मोर विग्रस, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपेयर टू बोरोन। सो हाइड्राइड आयन आर मोर नेगेटिवली पोलराइज इन केस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, thus H negative are more basic in lithium aluminium hydride compared to sodium borohydride. Secondly, lithium is stronger Lewis acid compared to sodium. So lithium metal ion complexes with carbonyl oxygen, thereby increasing the electron deficiency of carbonyl carbon more. जो ये लिथियम मेटल है ये क्या करेगा, कार्बनिल ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएगा, कोऑर्डिनेट कर जाएगा। ठीक है, लिथियम क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लिथियम ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ जब ये कोऑर्डिनेट करेगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर को और ज्यादा विड्रॉ करेगा और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बनिल कार्बन की और इंक्रीज कर देगा और इससे हाइड्राइड आयन का अटैक क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो मोर विग्रस है, यानी मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक तो क्या हो गया, एल्युमिनियम जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू बोरोन, जिसकी वजह से हाइड्राइड आयन है वो मोर नेगेटिवली पोलराइज्ड है, यानी कि मोर बेसिक है। दूसरा क्या हो गया, लिथियम का जो लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड है कंपेयर टू सोडियम, जिसके कारण ये ऑक्सीजन जो है कार्बनिल कार्बन के ऑक्सीजन जब ये कॉम्प्लेक्स करे कॉम्प्लेक्स बनाए, लिथियम जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, कार्बनिल ऑक्सीजन के साथ, तो वो इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बनिल कार्बन, जिससे हाइड्राइड आयन का अटैक क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
ये रीजन है जिसकी वजह से लिथियम आयन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो मोर विग्रेस है और लेस सिलेक्टिव है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो हम हमेशा यूज करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी ईथर के सॉल्वेंट हम यूज करेंगे ईथर, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड में हम अल्कोहल या वाटर पोलर सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में हम प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज नहीं कर सकते फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि वो जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं वो क्या कर देंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वायलेंट हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो फर्स्ट स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, वो हमेशा हम किस में करते हैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स में, यानी ईथर में, और लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस का होता है वो प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। हम ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं, अगर हमने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो लिथियम एल्युमिनियम है जो वायलेंटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और फिर रिएक्शन नहीं होगी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो मोर विग्रेस है, लेस सिलेक्टिव है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर्स को, एल्डिहाइड, कीटोन सब को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स उनको ही रिड्यूस करता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इज बाय बोवेल्ड ब्लैंक रिडक्शन। ये जो रिडक्शन होती है, ये रिडक्शन क्या है, रिडक्शन ऑफ एस्टर विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। अब ये जो सोडियम मेटल है ये तो एक ये प्रोवाइड करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जो आपका दूसरा सॉल्वेंट है एल्कोहल वो क्या प्रोवाइड करेगा, एच पॉजिटिव। तो सोडियम मेटल प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन और एल्कोहल प्रोवाइड करेगा एच पॉजिटिव आयन। सो रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू एल्कोहल विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट एल्कोहल इज नोन एज बोवेल्ड ब्लैंक रिडक्शन। अब इस रिडक्शन में हमें दो एल्कोहल मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक तो मिलेगा एसाइल ग्रुप से R-O से और दूसरा हमें मिलेगा एल्कोक्सी ग्रुप से। तो दो टाइप के एल्कोहल मिलेंगे, एक मिलेगा हमें एसाइल ग्रुप से R-CO ग्रुप से और दूसरा हमें मिलेगा एल्कोक्सी ग्रुप से। बोवेल्ड ब्लैंक रिडक्शन में क्या होता है, जो द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एस्टर टेक्स सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल टू फॉर्म रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। ये जो सोडियम मेटल है इसकी जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेगी और हमें क्या मिलेगा, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। Now this radical anion intermediate accept hydrogen from alcohol molecule to form anion, tetrahedral anion intermediate। अब ये जो आपका radical anion intermediate, radical यहाँ हो गया, इस पे एक single electron है, ये क्या है negative charge, तो क्या होगा radical anion intermediate, ये क्या करेगा, जो alcohol molecule है, जो आपका solvent है alcohol, इससे क्या लेगा, H positive लेगा और किस में convert हो जाएगा, radical intermediate में। Now this radical intermediate again accepts a electron from sodium metal to form anion। अब ये क्या करेगा, रेडिकल इंटरमीडिएट जो बना ये दोबारा सोडियम मेटल से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इंटरमीडिएट एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस एनायनिक इंटरमीडिएट अगेन एक्सेप्ट इस प्रोटॉन मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू फॉर्म हेमी एसिटल। अब ये जो आपका एनायन बना ये दोबारा से अल्कोहल मॉलिक्यूल से क्या करेगा, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेमी एसिटल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एस्टर जो मॉइटी थी उसने सोडियम मेटल से
क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल से एच पॉजिटिव लिया, एनायन में रेडिकल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, फिर रेडिकल इंटरमीडिएट सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनायन दोबारा से अल्कोहल मॉलिक्यूल से क्या लेगा, एच पॉजिटिव आयन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैमी एसिटल में। फिर इस हैमी एसिटल से एच पॉजिटिव का लॉस होगा और यहां से अल्कोक्साइड आयन का लॉस हो जाएगा, ये R2O अल्कोहल की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो एक हमारा अल्कोक्सी ग्रुप से क्या मिल गई, अल्कोहल मिल गई और हमें क्या मिल गया साथ में, कीटोन। तो ये जो हमारा हैमी एसिटल है ये डिकम्पोज करके किसमें डिकम्पोज कर जाएगा, एक तो कीटोन मॉलिक्यूल में और दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल में। अब इस कीटोन मॉलिक्यूल पे दोबारा सोडियम मेटल, जो ये कार्बनिल कार्बन है, इसकी ऑक्सीजन है, दोबारा क्या करेगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेडिकल एनायन में। अगेन दिस रेडिकल एनायन एक्सेप्ट ए प्रोटोन फ्रॉम अल्कोहल मॉइटी टू फॉर्म रेडिकल इंटरमीडिएट, विच अगेन फ्रॉम सोडियम मेटल एक्सेप्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म रेडिकल टू फॉर्म एनायन। नाउ दिस एनायन एक्सेप्ट प्रोटोन फ्रॉम सॉल्वेंट टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। तो ब्लैंक रिडक्शन से जो आपका एस्टर मॉलिक्यूल है ये दो टाइप के अल्कोहल देगा, एक अल्कोक्सी ग्रुप से R2OH और दूसरा आपका ये जो एसाइल ग्रुप है R-CO, जो ये CO ग्रुप है इसमें जो कार्बन है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आके आ जाएगी हाइड्रोजन, तो हमें मिलेगा R1CH2OH। तो हमें दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगी, वन फ्रॉम एसाइल ग्रुप एंड अदर फ्रॉम अल्कोक्सी ग्रुप। सिंपल इसमें ये ध्यान रखना है, सोडियम मेटल आपको हर बार एक इलेक्ट्रॉन देगा और जो आपका सॉल्वेंट है अल्कोहल वो क्या देगा, एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो हमें क्या मिलेगी, प्राइमरी अल्कोहल। अब इस रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्राइड आयन फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्ट एज ए बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलेट एनायन। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन के पास ये क्या है, हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन क्या करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलेट एनायन में। ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका ये हाइड्रोजन हाइड्राइड एक्ट करेगा एज बेस, एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को एज एच पॉजिटिव और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एल्युमिनियम AlH3 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर हाइड्राइड आयन टू कार्बनिल कार्बन। अब ये जो एल्युमिनियम AlH3 बच्चा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन तो OlAH2 में और यहां से अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देगा एज हाइड्राइड आयन टू कार्बनिल कार्बन। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा जो डिकम्पोज करके आपको क्या देगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। पहला स्टेप क्या हो गया, एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट एनायन। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बाय AlH3 फ्रॉम कार्बोक्सिलेट एनायन टू फॉर्म ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फ्रॉम दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट डीकम्पोजेस टू गिव एल्डिहाइड। Now, again, nucleophilic attack of hydride ion from lithium aluminium hydride to electron deficient carbonyl carbon takes place to form alkoxide ion. Now, this alkoxide ion hydrolyzes to give primary alcohol.
सिंपल, जैसे आगे का स्टेप जो है वो सेम है जैसे हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिडक्शन पढ़ी थी विथ एल्डिहाइड्स। फर्स्ट स्टेप जो है वो डिफरेंट है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या, उससे एच पॉजिटिव का लॉस होगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन में। अब इस कार्बोक्सिलेट एनायन जो वे बना, यहां से लोन पेयर का ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रोफिलिक AlH3 पे और फिर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम एल्युमिनियम टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। ये डिकम्पोज करके आपको क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। अब ये जो एल्डिहाइड है इस पे फिर अटैक होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का और हमें क्या मिलेगी, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव प्राइमरी एल्कोहल। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब एस्टर की रिडक्शन होगी तब दो टाइप की रिएक्शन होंगी, एक तो होगी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले जो हाइड्राइड आयन है वो अटैक करेगा इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन पे और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी जो एल्युमिनियम AlH3 के साथ लिंक हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां से ओ नेगेटिव ट्रांसफर होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और RO नेगेटिव अल्कोक्साइड आयन का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये होगी न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिलेगा, RC OH। ठीक है, कैसे हो रहा है ये कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हुआ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा हाइड्राइड आयन का ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। यहां से और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और ROH जो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये और हमें क्या मिलेगी, एल्डिहाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अटैक करेगा किसके ऊपर, कीटोन मॉलिक्यूल के ऊपर और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर, जो हमारा ये बना बीच में एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इस पे किसका अटैक होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का और हमें क्या मिलेगी, प्राइमरी एल्कोहल। सो न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्राइड एंड ऑन कार्बोनिल ग्रुप। फिर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्साइड अल्कोक्साइड आयन जो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। फिर है सब्सिक्वेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। ये वाला स्टेप क्या हो गया, एडिशन स्टेप हो गया और फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो जब रिडक्शन होते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, इसमें दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। पहला स्टेप जो है रिमूवल ऑफ एल्कोक्साइड आयन, वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, जिससे हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है। उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फर्दर अटैक हो रहा है एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे टू गिव अल्कोहल जो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज थ्रू एस्टर हाइड्रोलिसिस। अब एस्टर जो है वो दो टाइप से हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, आइदर इन एसिडिक कंडीशन और इन बेसिक कंडीशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर विद अल्कली इज जनरली कैरिड आउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एस्टर और इसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन मेथड। जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ वाटर। जो आपकी एस्टर की हाइड्रोलिसिस है इन एसिडिक मीडियम, कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेस में यूज करना पड़ेगा। तो रिडक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। कैसे होगी रिएक्शन कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एस्टर जो है
जो एस्टर मॉलिक्यूल है इसमें जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम H3O पॉजिटिव। वाटर मिनरल एसिड की प्रेजेंस में और वाटर हमने एक्सेस में लिया है तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H3O पॉजिटिव। जो एस्टर मॉलिक्यूल है इसपे जो कार्बनिल कार्बन की ऑक्सीजन है ये इससे क्या कर लेगी H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और क्या हो जाएगी प्रोटोनेटेड हो जाएगी। अब इस प्रोटोनेटेड एस्टर पे अटैक होगा वाटर मॉलिक्यूल का टू गिव प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से ट्रांसफर होगा यहां से ये ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को लोन पेयर डोनेट कर देगी ऑक्सीजन पे वापस लोन पेयर आ जाएंगे और ये किसमें कन्वर्ट होगी ROH पॉजिटिव। ROH पॉजिटिव जो है ये बेटर लिविंग ग्रुप है यहां से फिर ट्रांसफर होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन लॉस ऑफ ROH जो क्या है वीकर बेस यानी बेटर लिविंग ग्रुप है टू फॉर्म प्रोटोनेटेड एसिड और इस प्रोटोनेटेड एसिड की डी प्रोटोनेशन से हमें क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस में क्या होगा सबसे पहले जो एस्टर मॉइटी है उसमें जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन से क्या करेगी एच पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटोनेटेड एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोटोनेशन से जो कार्बनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो कार्बनिल कार्बन है मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है ये क्या कर लेगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ये अटैक करेंगे कार्बनिल कार्बन पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा वापस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसने लोन पेयर डोनेट किया ये क्या हो जाएगा प्रोटोनेटेड। अब यहां से लॉस होगा किसका बेटर लिविंग इन ग्रुप ROH OR ग्रुप का इन फॉर्म ऑफ एल्कोहल ROH। कैसे लॉस होगा कि ऑक्सीजन ROH के पास क्या है लोन पेयर है ये लोन पेयर किसको डोनेट कर देगी H पॉजिटिव को ऑक्सीजन पे वापस क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटोनेटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से फिर किसका लॉस हो जाएगा ROH मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और ROH का लॉस हो गया और हमें क्या मिल गई प्रोटोनेटेड एसिड मिल गया और इस प्रोटोनेटेड एसिड की जब हम डी प्रोटोनेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड जो है वो है बेसिक पहले हमने क्या था एस्टर हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड जो क्या थी रिवर्सिबल रिएक्शन थी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या यूज करना है एक्सेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो है वो है बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जिसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कार्बोक्सिलेट एनायन फिर हम उसमें मिनरल एसिड डालेंगे फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहले जो बेस का अटैक है न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बनिल कार्बन पे ओ क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा ऑक्सीजन से लोन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होंगे बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और एल्कोक्साइड मिथॉक्साइड आयन का लॉस हो जाएगा। अब ये मिथॉक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट एनायन में। अब इसके अंदर जब हम मिनरल एसिड डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो ये आपको क्या मिल गई एल्कोहल मिल गई और दूसरा हमें क्या मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है मेरविन पोंड्रोफ वेरले रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं MPV रिडक्शन। ये है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड टू गिव सेकेंडरी एल्कोहल वेयर एज
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू कीटो। इस मेथड का क्या यूज है कि मॉलिक्यूल कीटोन के अंदर जो अदर ग्रुप रिड्यूसिबल ग्रुप है लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो रिड्यूस नहीं होते। तो रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विथ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज नोन एज एमपीवी रिडक्शन। ये रिडक्शन कैसे होती है कि एल्युमिनियम मेटल हो गया ये ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और जो आपकी सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम कार्बन टू हाइड्रोजन। दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है टूट रहा है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूट रहा है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या है बॉन्ड बन रहा है। फिर क्या आएगा कि ये जो आपका अल्कोक्साइड बना ये हाइड्रोलाइज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH। ठीक है, ये वाला पार्ट तो किसमें कन्वर्ट होगा, जब ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो ये वाला पार्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ये जो एल्युमिनियम के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप था ये किसमें कन्वर्ट हो गया कीटोन में, और ये वाला पार्ट एल्युमिनियम के साथ इसने क्या बना लिया कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर इसकी हमने यहाँ हाइड्रोलिसिस कर दी इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में और जो हमारी एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है वो रीजनरेट हो जाएगी। तो ये थी एमपीवी रिडक्शन। जो लास्ट मेथड है वो है सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है RMGX, ये क्या है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसमें जो कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। अब मेटल तो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और कार्बन क्या होता है इलेक्ट्रो मेटल के कंपेरेटिवली कार्बन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रो नेगेटिव कार्बन का अटैक होगा किस पे कार्बनिक कार्बन पे, ओ क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो मैग्नीशियम मेटल जो है ये अल्कोक्साइड आयन जो बना इसके साथ क्या बना लेगा कॉम्प्लेक्स बना लेगा और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इस मेटल अल्कोक्साइड की तब हमें क्या मिलेगा अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से हमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है इससे हमें क्या मिलती है प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे तो कन्वर्ट होगी सेकेंडरी अल्कोहल में। इसी तरह ये जो आपका R पार्ट है ये क्या है R नेगेटिव है, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बनिल कार्बन पे, O नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा अल्कोक्साइड आयन बनाएगा, अल्कोक्साइड आयन मेटल मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेगा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और MgBrOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमने एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज की तो हमें क्या मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम कीटोन यूज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलता है टर्शरी अल्कोहल। मेथड मैकेनिज्म सेम है, अटैक ऑफ आर नेगेटिव पार्ट ऑन कार्बनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बनिल कार्बन टू फॉर्म अल्कोक्साइड आयन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोक्साइड आयन टू गिव टर्शरी अल्कोहल। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो हमें मिलेगी प्राइमरी अल्कोहल, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे तो हमें मिलेगी सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आप कीटोन यूज कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी टर्शरी अल्कोहल। इसी तरह अगर हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो R नेगेटिव अटैक करेगा कार्बनिल कार्बन पे, O क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, फिर O नेगेटिव जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा और C नेगेटिव का लॉस हो जाएगा यानी कि इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये पार्ट कीटोन में, और कीटोन की जब हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे RMGX से तो हमें कीटोन से क्या मिलता है टर्शरी अल्कोहल। इसी तरह एस्टर की जब हम रिएक्शन कराएंगे RMGX से तो ये R अटैक करेगा किस पे कार्बनिल कार्बन पे, O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, यहां से RO नेगेटिव का लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी कीटोन मिलेगी, फिर कीटोन फर्दर रिएक्ट करेगा RMGX के साथ तो हमें क्या मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।